आ गई गंगोबा तात्या की दिल की बात जुबान पे, अब शुरू होगी बगावत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, गंगोबा तात्या के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं और जिसमें एक ही बात हुई है कि गंगोबा तात्या विरोध करते हैं और गंगोबा तात्या इस डर से विरोध करते हैं कि मल्हार सरकार की बदनामी होगी, मालवा की बदनामी होगी, प्रजा में रोष फैलेगा, प्रजा का ही ध्यान रखते हैं। मगर इस बार उनके दिल की बात जुबान पे आ गई और वो बात जैसे ही जुबान पे आई वैसे ही गंगोबा तात्या के बारे में हम सोचने पे मजबूर हो गए कि अब गंगोबा तात्या बगावत करेंगे देवी अहिल्या के खिलाफ। चर्चा करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हिस्ट्री में जो दर्ज है उसके हिसाब से एक समय में गंगोबा तात्या देवी अहिल्या के पूरी तरह से खिलाफ हो गए थे। अब हम वापिस आते हैं सीरियल पे कि अब इस कड़ी से शुरुआत हुई है गंगोबा तात्या की बगावत की। गंगोबा तात्या जिन्होंने पहले कई बार मल्हार सरकार को समझाया एक दोस्त के जरिए कि मैं आपका दोस्त हूं, आपका सलाहकार हूं, आपको अच्छी सलाह दूंगा कि देवी अहिल्या को ये वाली जिम्मेदारी मत दीजिए, प्रजा में क्या होगा, पुरुष प्रधान समाज क्या करेगा, धर्म के लोग क्या कहेंगे, ये सब बातें कही। मगर आज जब तुकु जी ने पूछा उनको, पहले तो गंगोबा तात्या को उम्मीद ही नहीं थी कि तुकु जी ऐसा सवाल पूछ लेंगे, मगर तुकु जी ने पूछा। तुकु जी ने कहा, आप अपनी बात बताइए, समाज की बात में आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, एक नारी को, एक विधवा को सत्ता पे बैठे देखा, आप कर सकते हैं स्वीकार? तो गंगोबा तात्या ने मना कर दिया, कह दिया नहीं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर उन्होंने दिया जो उनके दिल से निकला। अब ये नहीं तो बोला है, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मल्हार सरकार तो देवी अहिल्या को सत्ता देने में पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, वो तो घोषणा करने की ही देर है बस। तो गंगोबा तात्या तब क्या करेंगे? तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर अंदर ही अंदर वो इस मुहिम पे लग जाएंगे कि कब मौका मिले और मैं देवी अहिल्या को उनके शासन से नीचे गिराऊं। या फिर अभी अगर दरबार में घोषणा होती है, जो कि होगी, तब गंगोबा तात्या जरूर ऐसी कोई चीज उस समय पेश करेंगे जिसको लेके देवी अहिल्या भी कन्विंस होंगी और कहेंगी कि मैं करूंगी शासन, मगर मैं शासन के ऊपर किसी और को देखना चाहूंगी, यानी कि मैं बागडोर संभालूंगी मगर पीछे से, जैसे खंडेराव के लिए उन्होंने किया था। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो गंगोबा तात्या की वजह से होंगी, क्योंकि गंगोबा तात्या दिल से कभी भी नहीं ये सोच पाए कि कोई नारी आगे बढ़ सकती है, कोई स्त्री राज कर सकती है। पहले तो फिर भी उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, मगर अब एक विधवा स्त्री जिसके पास तो कोई पावर होती ही नहीं है, जो दूसरों की भीख पे जीती है, वो कैसे रानी बन सकती है, कैसे शासन चला सकती है? ये है गंगोबा तात्या और ये इनकी जो बात है आगे बढ़ती ही जाएगी, इनके मन की आग ऐसे ही शांत नहीं होगी, कुछ बड़ा कांड करेगी फिर शांत होगी। मगर जैसे कि मैंने कहा कि इतिहास में दर्ज है, तो गंगोबा तात्या कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे देवी अहिल्या का, क्योंकि तब तक देवी अहिल्या का नाम इतना बड़ा हो गया था कि गंगोबा तात्या को घुटने ही टेकने पड़े थे। आगे की बात फिर करेंगे जब ये सीरियल में देखेंगे, मगर फिलहाल इसकी शुरुआत बगावत की हो चुकी है। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.